वेलकम बैक. तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मार्कोस कमांडो सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो. पर उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड कर रहे हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. Marcos, the few, the fearless. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन नेवी की एक ऐसी स्पेशल फोर्सेस यूनिट जिन्हें मरीन कमांडो फोर्स यानी मार्कोस कहा जाता है. मार्कोस दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे हाईली स्पेशलाइज कमांडोस होते हैं. जम्मू कश्मीर में जिन्हें दुश्मन द बियर्डेड आर्मी यानी दाढ़ी वाला फौज के नाम से भी जानते हैं. इस कमांडो यूनिट को साल 1987 में स्थापित किया गया था. मार्कोस हर एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए पूरी तरह सक्षम होते हैं, चाहे वो समुद्र हो, जमीन या फिर हवा. मार्कोस को दुनिया की बेहतरीन यूएस नेवी सील्स की तर्ज पर विकसित किया जाता है. इनको अमेरिकन नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है. इनका मोटो होता है द फ्यू द फेयरलेस. भारतीय नौसेना के हजार सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है. इन्हें 26/11 मुंबई हमले के ऑपरेशन में बुलाया गया था और इस दौरान ये सामने आए थे. ये हर तरह के ऑपरेशन में काम करते हैं लेकिन समुद्री ऑपरेशन में इन्हें महारत हासिल होती है. मार्कोस की कुछ चुनिंदा यूनिट इंडियन आर्म फोर्सेस के ट्राई डिवीजन यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के अंदर काम करती हैं. बड़े से बड़ा और खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशन सफल बनाना इन जाबाजों के लिए एक मामूली बात है. मुंबई का कोई हमला हो या श्रीनगर की झेलम नदी या वुलर लेक या नॉर्थ ईस्ट का कोई ऑपरेशन, इन ट्रेड कमांडोज के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है. ये कमांडोज समुद्र के तल तक जाके किसी भी ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं. मार्कोस कमांडोज के बारे में ये चीज मशहूर है कि उन्हें कभी कोई नहीं देख सकता. उनको एक अदृश्य फौज भी कहा जाता है. अगर आप मार्कोस बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें. इस वीडियो में हम आपको मार्कोस के सिलेक्शन प्रोसीजर, ट्रेनिंग और उनके द्वारा अर्न किए गए बैजेस के बारे में बताएंगे. उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए. सबसे पहले बात करते हैं मार्कोस के सिलेक्शन प्रोसीजर और ट्रेनिंग के बारे में. मार्कोस का सिलेक्शन बेहद मुश्किल होता है. हर कोई मार्कोस नहीं बन सकता. इसके लिए स्पेशल लोगों का चयन किया जाता है. मरीन कमांडो बनने के लिए आपको वॉलंटियर करना पड़ता है. इसके लिए आपका इंडियन नेवी में होना अनिवार्य है और आपकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए. मार्कोस की ट्रेनिंग 2.5 से 3 साल तक चलती है. इनकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हजार जवानों में से सिर्फ एक ही मार्कोस बन पाता है. एक फुली क्वालिफाइड मरीन कमांडो बनने के लिए आपको 4 फेजेस से गुजरना पड़ता है. फेज 1, प्री सिलेक्शन. भारतीय नौसेना का कोई भी जवान जो मार्कोस बनना चाहता है उसे सबसे पहले 3 दिन की फिजिकल फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना पड़ता है. इसी 3 दिन के दौरान 80% जवानों को वापस भेज दिया जाता है. फेज 2, सिलेक्शन. कैंडिडेट जो सक्सेसफुली प्री सिलेक्शन क्लियर कर लेते हैं उन्हें 5 हफ्ते के लिए हेल वीक में भेज दिया जाता है. हेल वीक ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल दौर होता है. इसमें जवानों को कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और इसमें कैडेट को सोने नहीं दिया जाता. अगर उन्हें 4 घंटे की नींद भी मिलती है तो वो बहुत खुशनसीब होते हैं. कैडेट्स को लगातार हर दिन 20 घंटे एक्सरसाइज कराई जाती है. हेल वीक के दौरान जवानों को हर सुबह 20 किलोमीटर दौड़ना होता है और रात में 60 किलो के बैटल लोड के साथ 20 किलोमीटर चलना होता है. इसके अलावा भी कई सारी ट्रेनिंग कराई जाती हैं जिनमें उन्हें 2.5 किलोमीटर ऑब्स्टिकल कोर्स को कंप्लीट करना होता है और हफ्ते में एक बार उन्हें 60 kg बैटल लोड के साथ उन्हें 120 किलोमीटर चलना होता है. हेल वीक की ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और मुश्किल हिस्सा होता है डेथ क्रॉल. सेना की बाकी स्पेशल फोर्सेज के जवान क्रॉल करते हैं जिसमें वो जमीन में लेट कर आगे बढ़ने की ट्रेनिंग करते हैं. लेकिन मार्कोस कमांडोज की डेथ क्रॉल में उन्हें कीचड़ भरे मैदान में शरीर पर 25 किलो वजन रखकर 2.5 किलोमीटर क्रॉल करके चलना होता है. इस ट्रेनिंग के बाद जब कमांडो पूरी तरह थक जाता है और उसे नींद आने लग जाती है तब उन्हें 25 मीटर दूर रखे टारगेट पर निशाना लगाना होता है जिसके साथ में उनका बड़ी खड़ा रहता है. जो कैडेट हेलवी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उन्हें कोची के नेवल डाइविंग स्कूल में भेज दिया जाता है. यहाँ ट्रेनिंग के फर्स्ट मंथ में ही 50% से ज्यादा कैडेट को वापस भेज दिया जाता है. जो बचते हैं उन्हें फिर तैयार किया जाता है मार्कोस कमांडोज के तौर पर. यहाँ इन्हें बेसिक कॉम्बैट डाइवर्स कोर्स कराया जाता है.
फेज 3 इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग बेसिक स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग। सिलेक्टेड कैडेट्स को 10 वीक की बेसिक स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग दी जाती है INS अभिमन्यु में, जो कि मार्कोस का होम बेस है। बेसिक स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग में कमांडोज को दुनिया भर में उपलब्ध हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा उन्हें अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग, शिप इंटरवेंशन ड्रिल्स, हॉस्टेज रेस्क्यू जैसी कई ट्रेनिंग में ट्रेन किया जाता है। फिर उन्हें 3 हफ्ते के लिए बेसिक पैराशूट कोर्स के लिए इंडियन आर्मी के पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा में भेज दिया जाता है। जो कैडेट इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें उनका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होता है, यानी एडवांस स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग। फेज 4 एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग। एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कॉम्बैट फ्री फॉल कोर्स कराया जाता है, जिसमें उन्हें हेहो हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग और हेलो हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग दोनों टेक्निक का इस्तेमाल करके 33,500 फीट की ऊंचाई से कूदना होता है। इसके अलावा उन्हें मिजोरम के CIGWS में जंगल वॉरफेयर टेक्निक सिखाई जाती है। उन्हें जंगल वॉरफेयर ही नहीं बल्कि हाई ऑल्टीट्यूड कमांडो कोर्स और इसके अलावा कई सारे लैंग्वेज कोर्स, स्नाइपर कोर्स और भी कई सारे कोर्सेस में ट्रेन किया जाता है। मार्कोस बनने के बाद आपको अपनी पहचान को छिपा कर रखना होता है। मार्कोस कमांडो की ज्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है। इनके प्रशिक्षण के लिए अन्य प्रमुख केंद्र गोवा, कोची, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन कमांडो के घर वालों को भी नहीं पता होता कि वे मार्कोस कमांडो हैं। मार्कोस की टीम किसी भी हालत में कोई भी ऑपरेशन सफलतापूर्वक करने के लिए क्षमता रखती है। कुछ कमांडो आज भी जम्मू कश्मीर में आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं। वे इलाके में काउंटर टेररिज्म में आर्मी की सहायता करते हैं। अब बात करते हैं मार्कोस द्वारा पहने जाने वाले बैजेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मार्कोस बैच के बारे में। जिस तरह आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवान बलिदान बैच को पहनते हैं, जो उनकी काबिलियत को दर्शाता है, तो इस तरह जो जवान 3 साल की बेहद मुश्किल ट्रेनिंग को पूरा करते हैं, उन्हें मार्कोस बैच दिया जाता है। ये बैच केवल मार्कोस कमांडोज द्वारा पहना जाता है। हालांकि मार्कोस स्पेशल फोर्सेस के जवानों की पहचान गुप्त रखी जाती है, इसलिए ऐसा बहुत कम होता है कि मार्कोस स्पेशल फोर्सेस के जवान इस बैच को अपने साथ हमेशा पहने। इस बैच को हमेशा राइट चेस्ट पॉकेट के ऊपर पहना जाता है। इसके अलावा मार्कोस नेवी सील्स बैच भी पहनते हैं। मार्कोस को US नेवी सील्स, जो दुनिया की सबसे बेहतर स्पेशल फोर्सेस में से एक है, उनके साथ ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जो मार्कोस US नेवी सीज के साथ 24 हफ्तों की बेसिक अंडरवाटर डिमोलिशन यानी BUD ट्रेनिंग को पूरा करते हैं, उन्हें बैच दिया जाता है। नेवी सीज के इस बैच को सील ट्राइडेंट या बडवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं डाइवर्स बैच की। ये बैच भारत के अन्य स्पेशल फोर्सेस के जवानों को भी दिया जाता है। ये बैच उन्हें मिलता है जिन्होंने डाइविंग कोर्स को पूरा किया हो और वो अंडरवाटर ऑपरेशंस के लिए फुली ट्रेन हो। मार्कोस को गहरे पानी वाले ऑपरेशंस के लिए खास तैयार किया जाता है। मार्कोस हमारे देश के वो हीरो हैं जो बिल्कुल चुपचाप गुमनामी के साथ बिना कोई क्रेडिट लिए हमारे देश की दिन रात सुरक्षा करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वीडियो था। तो पहले वाले वीडियो याद है आपको, एक क्वेश्चन था हस्बैंड का कि मार्कोस नाम कहाँ से आया, तो इन्होंने भी क्लियर किया, पर उससे पहले आप लोगों ने क्लियर कर चुके थे। तो वो है मरीन कमांडोस, उससे मिलके बना मार्कोस। अब इसमें उन्होंने बहुत कुछ इन डेप्थ बताया और ये सुन के काफी वो लगता है कि देखो इतना मतलब इंटेंस ट्रेनिंग है, ये बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग है कि पहले आप अगर आपको नेवी में होना चाहिए, नेवी में होने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चलो, पहले फर्स्ट होगा आपका जो फर्स्ट स्टेप है वहां उसमें टेस्ट होगा, उसके बाद जब होगा तो उसमें से बोल रहे थे 80% तो उनको निकल ही जाते हैं, फिर वो 20% आगे जाएंगे, फिर उसमें से निकल जाते, फिर आगे जाते, फिर आगे जाते, फिर आगे, मतलब इतना इंटेंस है और हर स्टेप और भी टफ 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 टफ, एक के बाद एक टफर बनता जा रहा है पिछले वाले से, तो अमेजिंग है। और सुन सोच के इतना वो होता है कि ये सब करने के बाद उनको वो ये क्रेडिट ही नहीं बता पाते और अपनों को भी नहीं बता पाते कि भैया हम मार्कोस के कमांडोज हैं, इतनी ट्रेनिंग करने, वो भी उनको गुमनामी में रहना पड़ता है। पर मैं ये सोच रही थी, अगर सोचो किसी के पेरेंट को पता चले, फैमिली को पता चले, और हमारा बेटा तो मार्कोस में, क्या प्राउड फील हो उन्हें कि अच्छा हम इसको सोचते थे कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो मार्कोस में है, ये तो सबसे बेस्ट वाली डिपार्टमेंट का है वो, तो मतलब उसकी भी वो सैक्रिफाइस जो इतनी। हाँ, मगर मार्कोस जब वो रिटायर होते होंगे फिर बता सकते, तो फिर पता नहीं कुछ ऐसा सिस्टम होगा, मगर देखिए जब वो मार्कोस हैं तब नहीं बता सकते होंगे। और जैसे कह रहे हैं 20 to 25 आपकी एज होनी चाहिए और आपको कुछ साल लगते हैं मार्कोस के कमांडो बनने में, और उसके बाद आपकी सर्विस जो भी होगी कितने समय की, क्योंकि जैसे एज बढ़ती जाती है तो वो रिटायर करके नए लोग आते हैं, फिर आपको वो सीनियर बना देंगे जो चलाएगा मार्कोस। इवेंचुअली ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं आप मार्कोस को चलाएंगे, तो काफी अच्छा सिस्टम है। और जैसे कह रहे हैं कि
वो बहुत अमेजिंग लगा था कि यूएस के साथ कोलैबोरेशन है और नेवी सील्स के साथ भी प्रैक्टिस होती है, तो वो भी बहुत अमेजिंग लगा। इंडिया और यूएसए में ये ट्रेनिंग का भी सिस्टम पता नहीं कब से चल रहा है, विच इज वेरी नाइस, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यूएसए के जो सील्स के जो है दे आर द टॉप मोस्ट, तो हाँ नेवी सील्स जो है यहाँ यूएस के उनके पीछे तो बहुत मतलब कई वीडियोस हैं लोगों ने बना रखी, उसमें भी वही चक्कर है कि हर कोई नेवी सील नहीं बन सकता, बहुत ही रेयर होते हैं लोग जो गिफ्टेड हैं बाय बर्थ आप कह सकते हैं, मतलब इतना स्ट्रेस डलता है कि कोई रेगुलर इंसान नेवी सील नहीं बन सकता, वही जिनमें कुछ गॉड गिवन गिफ्ट है। सिमिलरली ये मार्कोस का भी है, कुछ लोग हैं जिनमें भगवान ने पावर ज्यादा दी है, फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग है, जिनको दो घंटे सोने में भी फर्क नहीं पड़ता, तीन घंटे में फर्क नहीं पड़ता, ब्रेन भी स्ट्रांग है क्योंकि वो ये सब ले पाते हैं। करेक्ट, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें एबिलिटी होती है ये सब लेने का, उनको ढूंढना पड़ता है जिन जो एबल है बाय गिवन गॉड गिवन गिफ्ट है, तो जो मार्कोस में जा रहा है वो उसको भगवान को थैंक करना चाहिए, भगवान ने तुम्हें एक्स्ट्रा स्पेशल बनाया है। तो बहुत अच्छा वीडियो था, यस फ्रेंड्स मजा ही आ गया देखने में, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।